आखिर में हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस की बदौलत दुबई में? अगर कोई ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनको आपका क्या मशवरा है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जो भी कोई न्यू आना चाह रहा है यहाँ पर, तो उसको पहले चाहिए कि पाकिस्तान में बैठ कर ही जो है गूगल के ऊपर सर्च कर ले कि ऑनलाइन जॉब्स जॉब्स इन इन द यूएई, तो काफी सारी जो है मतलब लिंक्स ओपन ओपन हो जाएंगे। उनको विजिट करे, वहां पे अपना अकाउंट इनके बनाए, और उसके बाद से जो यहाँ के जो इनके लोकल न्यूज़पेपर हैं, जैसे खलीज टाइम हो गया और गल्फ न्यूज है, इस तरह की जितनी भी इनके न्यूज़पेपर हैं उनकी जो साइट्स हैं उनको सर्च करें। उससे क्या होगा कि उस पे जो कोई भी अपडेट होती है वीजे के हवाले से, जॉब के हवाले से, कुछ न्यू न्यू मतलब कानून लागू होते हैं उनके हवाले से, तो वहां पे खबरें आती रहती हैं, तो उनसे आपको काफी सारी हेल्प जो है मतलब मिल जाती है, जॉब के हवाले से भी, वीजे के हवाले से, क्या क्या न्यू कानून आ रहे हैं। तो ये काम मतलब करना चाहिए पहले, आने से पहले, ताकि आपको पता हो कि मैं जहां पे जा रहा हूँ वहां वहां पे जॉब की क्या सिचुएशन है, वहां के क्या कानून है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, यकीनन हमारे देखने वालों ने एंजॉय किया होगा इस इंटरव्यू को। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में भी हम आपसे किसी टॉपिक पर इंटरव्यू जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया जरूर जी, फी अमान। जी। देखने वालों, आपने सुना वकास बशीर अहमद साहब को, कि उन्होंने आपको गाइड किया कि किस तरह से दुबई में हम जॉब के लिए अगर जाएं तो क्या करें, और फिर जो है ना सबसे पहले जो उन्होंने बात यही की कि डॉक्यूमेंट्स में बुनियादी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ये सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है। और उनकी पूरी बात का खुलासा यही था कि हर तरफ से आपको होशियार रहना चाहिए और हर तरफ से आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए कोई ऐसे प्रॉब्लम आपको पेश ना आए। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। अपने मेजबान दानिश महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।